जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे लिस्टॉन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस स्टॉक में कि आखिर इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत दिनों से जो लोग इसमें बाई करके अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कोई घुमा फिरा की बात नहीं करूंगा, सीधा बात करूंगा और मुद्दे की बात करूंगा। बीएससी इसका जो कोड है, सिर्फ कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, 539277, इस कोड से भी इसको सर्च कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो स्टॉक है एक टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करने वाला स्टॉक है, मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाली कंपनी। अब देखिए, कपड़ा बनाने वाली कंपनी तो है ही, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि एलस्टॉन टेक्सटाइल्स एक अग्रणी भारतीय कपड़ा कंपनी है। इसका लंबा इतिहास और गुणवत्ता समर्पण मतलब रहा है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब क्वालिटी की बात आती है तो एलस्टॉन टेक्सटाइल्स का नाम टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा आता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कंपनी हमेशा बदलते कपड़ा व्यवसाय में खुद को स्थापित करने की कोशिश करती है। मतलब जैसे पुराने जमाने के लोगों के कपड़े कैसे होते थे, आज के लोगों के फैशन के हिसाब से कैसे कपड़े होने चाहिए, इस तरह के काम पर कंपनी करती है, हमेशा बदलते हुए माहौल में खुद को ढाल लेती है। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी समय दर समय अपने आप को ग्रो कर रही है तो उसको उसमें तेजी आनी बनती है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी नहीं आ रही। क्या इस कंपनी के फंडामेंटल में दिक्कत है या कंपनी के मैनेजमेंट में दिक्कत है? चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, फंडामेंटल 90 करोड़ के आसपास, यानी कि जैसे मतलब मार्केट कैप की बात करें तो हमारा जो फोकस होता है पेनी स्टॉक में कि यदि मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास आ जाता है तो लगभग लगभग कंपनी एक सेफ जोन में आ जाती है। तो ये पहुंचने वाली है 100 करोड़ के आसपास, एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट में आ गया। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी भी माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे साल भर में कुछ ना कुछ कंपनी कमा के दे ही देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी का सीधा सा मतलब होता है। तो यहाँ भी कंपनी प्लस में आ गई, यानी कि अभी तक तो फंडामेंटल में ठीक लग रहा है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद बाकी चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे। समझिए, एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया, चलिए 3 साल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 3 साल के चार्ट पर भी बात तो वही है। देखिए क्या है कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन रेंज कहने का मतलब कि दो प्राइस के बीच में जब स्टॉक का प्राइस घूम रहा हो किसी दो प्राइस के बीच में, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज में घूमना। जैसे अभी स्टॉक 50 पैसा से लेकर 1 रुपए के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो बहुत दिनों से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। कभी कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, कई बार क्या होता है सपोर्ट के पास आ जाता है, लेकिन सवाल है कि इससे बाहर कब निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। सीधा सा जवाब इसका सुन लीजिए कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में होता है, जब उससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है। यानी कि एलस्टॉन टेक्सटाइल का शेयर प्राइस जो है अभी जो दो प्राइस के बीच में कई दिनों से घूम रहा है, जब बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये जाएगा ऊपर। कितना ऊपर? कम से कम 1 रुपए तक तो जाएगा ही, क्योंकि जो नियर बाई रेजिस्टेंस है 1 रुपए के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। 1 रुपए का निकलेगा, ऊपर निकालेगा तो कहाँ पे जाएगा? 1.60 रुपए पे जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर भी इसका एक रेजिस्टेंस रहा है। लेकिन सवाल है कब निकालेगा। देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन रेंज में नहीं रहता है। जब जब कंसोलिडेशन रेंज में होता है, जब बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है, और जितना लंबा समय किसी फेज में किसी कंसोलिडेशन रेंज में बिताता है लगभग उतना ही तेजी आने के चांस उसमें होते हैं। तो ये तेजी, ये जो आप फेज देख रहे हैं, जितना समय इस कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज में बिता रहा है, यकीन मानिए जब ये बाहर निकलेगा तो ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करने का मतलब बहुत लंबा तेजी इसमें देखने को मिलेगा। एक ही बार में 1.60 रुपए तक पहुंच जाएगा, और फिर जब इसको भी ब्रेक करेगा तो ये इसके डबल, यानी कि तकरीबन 3.5 रुपए के आसपास जाते हुए, 3.5 से 4 रुपए तक जाते हुए इजिली दिखेगा। रही बात, थोड़ा समय लग रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस स्टॉक में बूम आएगा, और जब बूम आएगा तो जो भी आपको लॉसेज हो रहे हैं या जितना भी आपका पेशेंस इस स्टॉक में लग रहा है, सबकी भरपाई हो जाएगी। यहाँ पे हमें समझना है कि कंपनी के Q2 के नंबर अभी आने वाले हैं। अभी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया नहीं है, सिर्फ Q1 तक का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है इस मंथ में, नवंबर मंथ में आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में। जैसे रिजल्ट आएगा आप देखिएगा रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत दिनों से सेल्स नहीं हो रहा था, लेकिन जून क्वार्टर में सेल्स हुआ है, सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी का सेल्स हुआ, रिजल्ट आएगा नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो आपको दिख जाएगा। तो चूंकि लगातार 2-3 क्वार्टर सब कंपनी को सेल्स होने लगे हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगा है, तो जाहिर सी बात है जब सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देखेंगे, पिछले कई दिनों से जैसे ऊपर दिखाया कि सेल्स नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनको हमारे देश की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो, प्लस एक ऐसा बिजनेस जिसका डिमांड हमेशा रहने वाला हो, और उस बिजनेस पर कंपनी अग्रणी हो, तो उसके शेयर प्राइस में देर सवेर तेजी आएगी ही आएगी। रही बात
टेक्सटाइल सेक्टर की अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें लगभग जितनी कंपनियां सबका हाल बराबर ही चल रहा है। ऐसा नहीं कोई बहुत किसी टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आ गया किसी कंपनी में और किसी में नहीं आया, वैसा तो बात है नहीं। तो आपको थोड़ा ये बात समझना होगा। प्लस जब आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे मेजरली जो शेयर्स हैं ज्यादातर पब्लिक के पास, प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी नहीं है। तो पेनी स्टॉक में देखिए प्रमोटर्स ऐसे भी नहीं होते, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि स्टॉक में प्रमोटर्स नहीं, रोना धोना नहीं है। आप बड़े से बड़ी कंपनियां देखेंगे तो उसमें भी जैसे आईटीसी वगैरह देख लीजिए, प्रमोटर्स बहुत कम होते हैं, मेजरली शेयर पब्लिक के पास होते हैं। तो इससे लेके बहस नहीं करनी है कि इसमें प्रमोटर्स हैं कि नहीं है। जो मेन चीज है कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का कामधाम, कंपनी का मैनेजमेंट, और अगर वही सब चीज है तो कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी ही आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल के बारे में जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।